बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो बनाने चला हूँ जिसका मौजू है सदका जारिया, यानी ऐसी वीडियो जो हम सब के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज सदका जारिया बनेगी। और इसके साथ साथ डिस्कस करूँगा गुनाह जारिया। पहले आयत मुबारका मुलाहिज़ा फरमाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे निकाला गया है लोगों के लिए, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, यानी इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। तो नाज़रीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो जो मुझसे सुनो अगर से एक आयती हो। बड़े बड़े लेक्चर्स, वादो नसीहत की जरूरत नहीं, मुख्तसर बात। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बड़ी मुख्तसर होगी और बड़ी जामे होगी। सदका जारिया, यानी इंसान मर जाता है तो जो भी अच्छा अमल उसका बाद में भी जारी रहता है। कोई पंखा लगवा दिया मस्जिद में, किसी मुस्तहिक के घर में, वो जब तक उसको हवा देता रहेगा वो उसके लिए सवाब का बाइस बनेगी ये चीज। किसी मुस्तहिक को किताबें खरीद के दे दी, जब तक वो स्टूडेंट किताबें पढ़ता रहेगा उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। किसी शख्स को दुआ सिखाई, रब्बन अग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो ये भी जब तक वो दुआ पढ़ता रहेगा, वो औलाद हो या कोई भी शख्स हो, तो उसके लिए चीज सदका जारिया बन जाएगी। और अब इसके अपोजिट जो है वो गुनाह जारिया भी है, यानी बैड मोरालिटीज। हम किसी को इमोरालिटी सिखाते हैं, कोई वीडियो, गलत वीडियो, फोहश वीडियो हम बेहयाई पर जो मबनी है वो शेयर कर देते हैं, तो वो उसके लिए गुनाह जारिया बन जाएगी जब तक वो वीडियो देखी जाती रहेगी। तो कोशिश करें कोई भी गलत वीडियो है उसको हम शेयर ना करें, बल्कि जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको भी डिलीट कर दें। सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, YouTube का दौर है, तो इन चीजों से हम अवॉइड करें। अच्छी वीडियो लोगों के साथ शेयर करें, बुरी वीडियो को फौरन डिलीट कर दिया जाए और कहीं भी इबारत भी लिखी है उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो इसी तरह जिस तरह सदका जारिया है वो इंसान को फायदा देता है मरने का बाद भी, तो गुनाह जारिया भी जब तक उस इबारत को पढ़ा जाता रहेगा, उस वीडियो को, कोई ऐसी सॉन्ग्स पर मबनी वीडियो है जिसमें फोहश गुफ्तगु है, उसमें शायरी ऐसी है, तो ये भी उसके लिए गुनाह जारिया बन जाएगी। और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुनिया में भी अजाब देगा और आखिरत में भी अजाब देगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, अल्लाह ताला इस मैसेज को हम सब के लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।